प्रॉब्लम है अंदर सलूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। हेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करे वाकई मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, बेटा, टप्पू बेटा चलो दूध पी लो। नहीं, अरे चलो चलो दूध पी लो, चलो टप्पू, चलो चलो दूध पी लो, चलो। मम्मी पहले तुम भी मेरे साथ कराटे सीखो। अरे नहीं नहीं, ये लड़कों का खेल है। मम्मी कराटे लड़के नहीं लड़कियां भी सीखती है। अगर तुम कराटे सीखोगी तभी तो चोर का सामना कर सकोगी। अच्छा, हाँ ठीक है, तो चलो चलो सीखते हैं। चलो दया, दया क्या कर रही हो तुम? अरे मैं कराटे सीख रही हूँ। ए, सीधी खड़ी रह, नॉनसेंस। पापा। बोलो बेटा। पापा, आप टप्पू की मम्मी को नहीं डांट सकते। अगर टप्पू की मम्मी को कोई डांट सकता है तो वो है खुद टप्पू की मम्मी। यह 3 फुट 3 इंच, यह टप्पू की मम्मी बाद में है, पहले यह जेठालाल की दया है, समझा? चलो दया। हाँ हाँ चलो। कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ आप ले जाओ। अरे मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? तो फिर आपने मुझे क्यों कहा कि चलो? अरे चलो मतलब चलो दया, मैं निकल रहा हूँ ऐसा। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ तो जाइए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा। चलो मम्मी। हाँ। दया ये क्या है? सॉरी, चलो दूध पी लो। हाँ? मतलब टप्पू बेटा चलो दूध पी लो। दया, दया, आई आई, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? ये क्या है? ये चूहा पकड़ने का गोंद का पेपर है। तो हमारे घर में कहाँ चूहे हैं दया? चूहा नहीं, चोर पकड़ने के लिए रखा है। देखिए, अगर चोर हमारे घर पर चोरी करने के लिए आएगा तो उसका पैर ये गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। और अगर बालकनी से आया तो? बालकनी में भी एक रखा है, किचन में भी एक रखा है, और तिजोरी में भी एक रखा है। तिजोरी में? जैसे ही वो चोरी करने के लिए तिजोरी में हाथ डालेगा, उसका हाथ गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। अभी ये मेरे जूते में से निकाल, वरना मैं दुकान ही नहीं जा पाऊंगा। हाँ, 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 हाँ। निकालती हूँ। चलो धीरे। हाँ। क्या कर रही है जड़ परत? हाँ। खींच उसका, खींच दया, उसको हिला मत, खींच। अरे हाँ मम्मी, जोर से खींचो। टप्पू ठीक तरह से पकड़ ले बेटा। अरे 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 टप्पू पकड़ ले। अरे पूरा जूता निकाल दिया तूने, क्या कर रही है दया? अरे ये जेठालाल क्या है? क्या ये? अरे भाई सॉरी, वो गलती से हो। क्या गलती? क्या गलती? हाँ, तुम लोग को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कभी चंपू चाचा मुझ पर कुल्ले करते हैं, कभी अंदर से कचरा फेंका जाता है, आज तो हद हो गई, तुमने जूता फेंक के मारा। अरे भाई मारा नहीं है, वो कागज चिपक गया ना जूते में, वो निकलने गई दया। हाँ। तो गलती से पूरा जूता ऐसे वो छूटा। हाँ बराबर है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तभी तुम्हारा छूटा ना। तो तू यहाँ से निकलता क्यों है भाई? इतना बड़ा कंपाउंड है, उधर से भी जा सकते हैं अपने घर पे। नहीं, तुमको इधर से ही जाने का है। अरे हाँ तो बापा सर्कल से मैं यहाँ से क्यों गुजरता हूँ? अरे भाई तुमने क्या कंपाउंड भी खरीद लिया है क्या? हाँ? और मुझे क्या सपना आया था कि यहाँ से जूता फेंकने वाले हो तुम? तो? भाई छोड़ने, वो लेट हो रहा है, दुकान जाओ, फेंकना ऊपर वापस जूता। अरे निर्लज्जम सदा सुखी, कुछ फायदा नहीं है बोल के। अरे जूता प्लीज, जूता हो। अरे भाई जाने लेके आना, टपू तू भी खड़ा है इधर, जल्दी लेके कागज निकाल ना, कपड़ा फेंक दिया जूता पूरा। अरे मैं कोशिश यही कर रही थी कि कागज निकले, पर कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा है कि पैर नहीं निकलता है ना, तू तो मेरा पैर ही पूरा ऐसा खींच के फेंक देती है जड़ परत। अरे क्या ऐसा बोलते है, मैं ऐसा थोड़ी ना करूँगी। लाना भाई जल्दी, तू क्या जल्दी। पापा मुझे नहीं लगता है पेपर निकलेगा। तो अभी ऐसे ही पहन के जाओ, कोई बात नहीं, उसमें क्या। मतलब एक जूता ऐसा और एक जूता ऐसा, खराब लगेगा। समझ गई, खराब लगेगा। एक काम करो, मैं दूसरा गोंद का पेपर लेकर आती हूँ, आप उसको दूसरे जूते के नीचे चिपका दीजिए, दोनों सेम टू सेम। पागल औरत, दूसरा जूता लेकर आ। ऐसा थोड़ी ना होता है, चाय देते तो भी दुनिया में किसी को कदर नहीं है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं है। अब क्या तू क्या खड़ा है इधर? पापा आपको कंपनी दे रहा हूँ, नहीं चाहिए तो जाता हूँ। दया और उसका बेटा, सत्यानाश कर दिया जूते का। दादाजी। अरे गोगिला आ बेटा, बैठ। दादाजी टप्पू है? हाँ है ना टप्पू, ए टप्पूड़ा। हाँ दादाजी। अरे गोगी तू? टप्पू मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? चोर लोगों का। चोर लोगों का? जब से हमारे बिल्डिंग में फायरिंग हुई है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। ए गोगिड़ा इधर आ बेटा, इधर आ, इधर बैठ। तुझे पता है मैं जब तेरे जितना था तो मैं भी तेरी तरह ही डरता था। सत्तू दादाजी आप भी डरते थे? अरे तुझसे भी ज्यादा गोगिड़ा, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। फिर क्या, उसी डर के मारे मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं इतना डर गया था कि मुझे बुखार आ गया था। दादाजी कौन था वो आदमी? हाँ दादाजी वो कौन था? अरे वो मेरी परछाई थी। ओ, मतलब वो आपका शैडो था? परछाई। हाँ। अरे गोगिड़ा ये जो डर है ना, वो हमारी परछाई की तरह होता है। हम जितना उससे भागते हैं वो उतना ही हमारे पीछे पीछे आता है। इसलिए हमें डर छोड़ के हर मुश्किल का सामना करना सीखना चाहिए। हैं? समझा गोगी, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना तेरे साथ, हम सब मिलके पूरे सोसाइटी की रक्षा करेंगे। और हम भी बापूजी, हम सोसाइटी की सभी औरतें मिलकर आज से ही सोसाइटी की देखरेख करने वाली है। शाबाश बहू। गोगी अब तू डरेगा नहीं ना? ओए कभी नहीं डरूंगा, याद रखना गोगी, टप्पू से ना किसी से नहीं डरती, टप्पू सेना से सब डरते हैं। क्यों? सोचो अगर चोर वापस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल अटैक, ऐसा मार पड़ेगा ना उसको। हाँ, चोर चोरी करना भूल जाएगा। Exactly. मान लो कि जब हम लोग घर पे हो तब चोर आ गए तो? अच्छा सोसाइटी में वॉचमैन नहीं है तो सारी औरतें पहरा दे रही है। अरे मैंने तो उसके लिए सारी तैयारियां घर में करके रखी है। पता है वो उंदर मारने का वो गोंद का पेपर होता है ना, हाँ वो घर में बिछा कर रखा है। गुड। और लाल मिर्ची का पानी बोतल के अंदर भर दिया है, जैसे ही चोर आएगा उसके ऊपर फेंकूंगी। मैंने भी ना घर पे हॉकी स्टिक तैयार रखी है। मैंने भी सभी जगह पे घर में झाड़ू और बेलन रख दिए हैं। मुझे तो किक बॉक्सिंग वैसे भी आती है, जरा उसको मार के मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ देखो, आई थिंक वो चोर है ना। हाँ। सावधान, खड़े हो जाओ। आने दो उसको। वो चोरी लग रहा है ना। हाँ। आए वैसे ही पकड़ लेना उसे। हाँ। हो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, तू ये थोड़ा बख्ते मियाँ था बरोबर। अरे मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। ये देखो, मैं कुरियर वाला हूँ। ओह गॉड, तारक मेहता का मैगजीन देने आया हूँ। ओह गॉड भैया, मैं मिसेस मेहता हूँ। हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। ये लो आपका मैगजीन। लेकिन भाई साहब, आप ऐसे चोर की तरह ऐसा मुंह पर कपड़ा बांधकर क्यों निकले? अरे मैडम, धूप कितना है, साइकिल चलाते वक्त मुंह पे गर्म हवा लगता है, इसके लिए मुंह पे कपड़ा बांधा था। ओह आई एम सो सॉरी। आपके लिए कुछ ठंडा लाऊं? माफ करो। अरे भाई, अपनी साइकिल तो लेके जाओ। साइकिल गॉड यार, बेचारा डर गया। हाँ, डर ही जाएगा ना। हे चलो नहीं बाबा, अभी बहुत गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर घर पे आराम करके आते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो नहीं बाबा। एक मिनट अब्दुल भाई, आपको किसी अनजान आदमी पे डाउट जाए तो तुरंत फोन करना। सोसाइटी तक मत आने देना, हम लोग सब फटाफट आ जाएंगे। प्लीज अंजलि भाभी, आप जरा भी चिंता मत करो। दुकान से ज्यादा मैं सोसाइटी पे नजर रखूंगा। चलो ध्यान रखना, बेचारा खामोखा पिट गया। आइए अंजलि भाभी, आइए आइए, बैठिए वीडियो बहन, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे हमें क्यों बुलाया यहाँ? अरे हाँ, आप लोग एक मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे दया भाभी जरा जल्दी। अरे हाँ, अभी आती हूँ। ये किस लिए रुका है? दया भाभी जल्दी कीजिए जरा। आ रही हूँ, ये लीजिए। आ गई, ये लीजिए जल्दी। ये क्या है? अरे ये सुखड़ी है, सुखड़ी मेरी माँ ने अहमदाबाद से भेजी है। सबको दे दिया, लेकिन आप दोनों बाकी थे। मतलब ये कैसे बनता है? इसमें क्या है कि शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं का आटा होता है। अच्छा, मतलब ये गुड़ पापड़ी है। हाँ तो आपको पता है। हाँ, हम लोग भी बनाते हैं। हम लोग इसे गुड़ पापड़ी कहते हैं। अच्छा दया भाभी, थैंक यू फॉर सुखड़ी। पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। अगर ये डब्बा अभी घर जाएगा तो तारक एक ही झटके में इसे खत्म कर देंगे और उनका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं ये डिब्बा आपके पास रखती हूँ, जब मन हुआ तब खा के जाऊंगी। हाँ, लेकिन आना जरूर जरूर। हाँ। चलो दया भाभी, अभी निकलती हूँ। ये सिक्योरिटी के चक्कर में सब घर का काम छोड़ के आई थी। हाँ, क्या करें, सोसाइटी की रक्षा भी तो करनी पड़ती है ना। पर मैं कहती हूँ कि अब हमें सोसाइटी की सुरक्षा और घर का काम दोनों साथ में करना पड़ेगा। देखना, किचन में काम करते करते बेडरूम में, ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखना। और हाँ, की होल से देखे बगैर दरवाजा कोई भी मत खोलना, ठीक है? मैं तो कहती हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाए ना, तब भी सोसाइटी में नजर दौड़ानी चाहिए। करेक्ट। और हाँ, खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ेंगे। बरोबर है। आगो भाई, मैं शायद खिड़की खुली छोड़ के आई थी। अरे तो मेरे भाई घर पर है कि नहीं? अरे वो तो बाहर गए और सोनू भी खेलने गई है। मुझे जाना चाहिए, जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी जाइए, जल्दी। भूल गए। अच्छा, अब मुझे भी घर पे काम है, मैं भी चलती हूँ, ठीक है? ये रखो मेरी सुखड़ी संभाल के। हाँ। ओहो, आज तो बहुत गर्मी है। चलो एसी ऑन करके सो जाती हूँ। अरे ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लगता है बिगड़ गया है। टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ। मुझे तो गर्मी में नींद ही नहीं आएगी। हेलो हेलो, टप्पू के पापा बोलो। मेरे कागड़ी कोयल, कैसी हो? हाँ? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अभी तक तो मजे में हूँ, अभी आगे तुम्हारा फोन आया तो अभी पता नहीं। बोलो फोन क्यों किया? आज खाने में क्या अच्छा लगा? गलके की सब्जी, मेथी का भजिया या रायता? आम। हा? क्या आम भी? वो मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो अपने आप बना था। इसीलिए। बोलना भाई फोन क्यों किया तूने? मैं भूल गई। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर चालू रखिए, मैं जरा सोचकर बताती हूँ। अच्छा काम कर, जब याद है तो वापस फोन करना, ठीक है? हाँ नटू काका, ओ चिमन सेठ का चेक लेके आए? नहीं। क्यों? क्यों क्या? आज सैटरडे, बैंक आधा दिन बंद। कल संडे, बैंक पूरा दिन बंद। चेक तो सोमवार को ही जाएगा ना। तो मैंने क्या सोचा सेठ जी कि चिमन सेठ की दुकान तो बैंक के सामने ही है, तो सोमवार को चिमन सेठ की दुकान पे जाके उधर स्लिप भर के चेक लेके सामने भर दूंगा। एक ही चक्कर में काम तमाम। इधर मेरा काम तमाम हो गया। आप क्यों अपना दिमाग चलाते हो नटू काका? मैं अपना दिमाग चलाता हूँ इसलिए तो दुकान चलती है। मैंने क्यों फोन किया था ये तो भूल ही गई। क्यों फोन? अरे हाँ, ऐसी के लिए फोन किया था मैं भी ना। हाँ याद आ गया अब। हेलो। हाँ हेलो टप्पू के पापा। एक मिनट चालू रख। नटू काका आपको पता है वो चिमन सेठ आज एक महीने के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने बोला कि आज आके चेक कलेक्ट कर लो। आप मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो। फोन चालू है। हेलो हाँ बोल। कुछ नहीं। लगता है टप्पू के पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं कुछ कहूँगी तो वड़का भरने लगेंगे। उससे अच्छा है कि अब्दुल को ही फोन करूँ। हाँ हाँ यही सही है। हेलो अब्दुल। हाँ बोलो दया भाभी। हमारा एसी बिगड़ गया है तो किसी रिपेयर करने वाले को भेज दो ना। हाँ हाँ अभी भेज देता हूँ, आप फोन करके अभी आ जाएगा वो। थैंक यू। ओहो ये एसी वाला कार्ड तो यही किधर रखा था। हाँ निमेश भाई। हाँ निमेश भाई, अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सलाम सलाम। अरे एक मैकेनिक भेज देना, एसी रिपेयर करने वाला। हाँ अपने गोकुल धाम में। हाँ लिखो लिखो, जेठा भाई गाड़ा, बी विंग, फर्स्ट फ्लोर। क्या आपका मैकेनिक न्यू बॉम्बे गया हुआ है? रात को 10 बजे के पहले नहीं आएगा? अरे बाबा वो 10 बजे के बाद भी आएगा ना तो उसको भेज देना, नहीं तो दया भाभी मुझे परेशान कर देगी यार। हाँ हाँ प्लीज। हाँ अरे बंद खिड़की। बॉस बॉस। अरे क्या खबर लाया है, क्या खबर लाया है। यही सही मौका है जेठालाल को लूटने का। अभी हम पूरा प्लान बनाकर जेठालाल को लूटेंगे। कैसे बॉस? क्या नाम बताया वो एसी वाले का? निमेश भाई। निमेश भाई, निमेश भाई के आदमी 10 बजे के पहले तो पहुंचेंगे नहीं। राइट बॉस। हम 9:30 बजे भेष बदलकर एसी वाले बनकर जेठालाल के घर जाएंगे और 10 बजे के पहले हम उसे लूट लेंगे। अरे वाह वाह क्या प्लान है, क्या प्लान है। लीजिए, चोरों को पता चल गया कि गोकुल धाम सोसाइटी का एक घर जिसमें बहुत माल पड़ा है वहाँ एसी रिपेयर करने आने वाले हैं। मिल गई इन्फॉर्मेशन पूरी। पता नहीं क्यों लोग ऐसी तमाम बातें पब्लिक प्लेसेस पे कह देते हैं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए। आपने कई बार लोगों को सुना होगा, ए मेरी चाबी वहाँ पड़ी है घर की, यहाँ ले लेना, मेरा पार्सल आने वाला रिसीव कर लोगे क्या, हमें ना 7 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहे हैं थोड़ा देख लेना। पता नहीं क्यों ऐसी तमाम बातें कर देते हैं जो शायद किसी चोर के लिए ऐसा ही ब्लैंक चेक हो सकता है जो आपके द्वारा साइन किया गया है। अब यहाँ चोरों को इन्फॉर्मेशन, जेठालाल के घर में माल। अब देखें क्या होता है हाल। एक बात तय है, आपके ठाक है। हमारे साथ लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.